दोस्तों, क्या आपको इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आती है? अगर हाँ, तो वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो के लास्ट में अपने सेंटेंसेस को चेक जरूर करना और मुझे बताना आपके कितने सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। सेंटेंसेस आपके सामने हैं, मुझे तुम्हारी शराफत पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हारी शराफत कहाँ चली गई? शराफत छोड़ दी मैंने, ये दुनिया शराफत का बहुत फायदा उठाती है। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ शराफत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शराफत के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है डिसेंसी, DECENCY, डिसेंसी, जो कि एक नाउन होता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉरल और करेक्ट बिहेवियर, यानी शिष्ट आचरण। आम बोलचाल में हम इसे शिष्टता या शालीनता भी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्यारे दोस्तों सिविलिटी, डेकोरम, मोडेस्टी। इसके एंटोनिम्स होते हैं इनडिसेंसी, रूडनेस, इमोरैलिटी। एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लीजिए, मुझे तुम्हारी शराफत पर पूरा भरोसा है। आप इसे कहेंगे आई हैव फुल फेथ इन योर डिसेंसी, आई हैव फुल फेथ इन योर डिसेंसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब तुम्हारी शराफत कहाँ चली गई? आप इसे बोलेंगे वेयर हैज योर डिसेंसी गोन नाउ, वेयर हैज योर डिसेंसी गोन नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, ये दुनिया शराफत का बहुत फायदा उठाती है। आप इसे बोलेंगे दिस वर्ल्ड टेक्स ग्रेट एडवांटेज ऑफ डिसेंसी, दिस वर्ल्ड टेक्स ग्रेट एडवांटेज ऑफ डिसेंसी। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों शराफत छोड़ दी मैंने, आप इसे बोलेंगे आई लेफ्ट डिसेंसी, आई लेफ्ट डिसेंसी। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, मैं तुम्हारी शराफत पर मर मिटा हूँ। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने की कोशिश करना और जितने सेंटेंसेस आपके सही थे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।